दोस्तों नमस्कार। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। NEC चीफ लेटर डेट ऑन 29/2/2024 को लेटर लिखा गया है ऑनरेबल चेयरमैन CBT एंड लेबर मिनिस्ट्री टू अकॉर्डेंस अप्रूवल ऑफ एनहांसमेंट इन द मिनिमम पेंशन 7500 अलॉन्ग विद द कंपनसेशन फॉर द प्राइस राइज। माननीय श्री अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष CBT व श्रम मंत्री को NEC प्रमुख द्वारा 29/2/2024 को न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये बढ़ाने की मंजूरी देने के लिए पत्र लिखा गया है। यह पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। यह लेटर आप देख पा रहे हो NEC की तरफ से लिखा गया है, EPS 95 नेशनल इलेक्शन कमेटी की तरफ से। और इसमें श्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि वर्तमान में ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल चेयरमैन CBT हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर लिखा गया है। इसमें क्या है, इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन 7500 अलॉन्ग विद द कम्पेंसेशन ऑफ प्राइस राइज, यानी DA से बात कही गई है, DA जोड़ने के साथ की बात कही गई 7500। इसमें क्या है कि यह रेफरेंस दिया गया है, ये लेटर्स रेफरेंस मतलब कि ये सारे लेटर्स लिखे जा चुके हैं 2023, हालांकि इससे बहुत पहले से भी लेटर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर 7 रेफरेंस दिया गया है सिर्फ, क्योंकि रेफरेंस अगर देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि पूरा कई पेज तो बस रेफरेंस का लेटर का ही, मेमोरेंडम का ही हो जाएगा। ऑनरेबल सर, द नेशनल इलेक्शन कमेटी EP 95 कॉल्ड ऑन यू फ्रिक्वेंटली विद द एक्सेप्शन टू लिफ्ट द वेल, टू कम आउट फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रंच एंड टू लीव हैप्पली फ्रॉम एंड आउट ऑफ पेंशन फंड ऑफ EP 95 मेंटेन्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन। यहाँ पर मेंटेन और फाइनेंशियल क्रंच के बारे में बताया जाता है कि कई बार हमारे यहाँ पर EP 95 मेंटेन कैसा है, कंट्रीब्यूशन के बारे में, सब किसी के बारे में NEC की तरफ से बताया गया है पहले ही। अब इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट द ग्रांट ऑफ इन्हेंसमेंट इन इज विद इन द रीच ऑफ योर काइंड ऑनर एंड शुड हैव पेव्ड द वे टू डिक्लेयर एन इन्हेंसमेंट नॉट विथ स्टैंडिंग द सेवरल एगेशंस यू अडॉप्ट द पेडाटिक अप्रोच एंड डिड नॉट एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ मिनिमम पेंशन। इट इज़ लर्न दैट CPFC सबमिटेड प्रपोजल फॉर एनहेंसमेंट इन द पेंशन एंड इट इज़ पेंडिंग फॉर योर अप्रूवल। ये CPFC ने जो है आपके एनहेंसमेंट के लिए प्रपोजल दिया हुआ है और वो आपकी तरफ से पेंडिंग है। NEC humbly submits the accord and approvals of for enhancement in the minimum pension forthwith. Otherwise, the allegations would be intensified and various level places, pieces or money shall be adversely affected. यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर NEC की जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं जो है फिर से एक बार हमें allegation के मोड में आना पड़ेगा, मंत्रणा प्रदर्शन देना पड़ेगा। With the view to maintain concord and it in the interest of justice, please arrange accordance approval to for the enhancement of pension immediately before initiating a deferred allegation. तो यहाँ पर कहा गया है कि आप किसी प्रकार का कोई allegation शुरू होने से पहले आप इसको अप्रूवल कर दें। CBT members को भी लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर जो हैं उनको भी ये लेटर लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर फेथफुली कमांडर अशोक रावत जी, नेशनल इलेक्शन कमेटी नेशनल प्रेसिडेंट हैं, थैंक्स, यहाँ पर लिखा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा किया। ऐसा करता हूँ, जानकारी पसंद आई होगी, राय कमेंट में दीजिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।